दोस्तों, अगर आप गैल ब्लैडर स्टोन से परेशान दोस्तों और सभी चिकित्सक ऑपरेशन की बोल रहे हैं दोस्तों, तो देखिए पहले आपको मैं एक बात बता दूं, यह जो गैल ब्लैडर स्टोन जो बनती है जब हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है दोस्तों, तो वह जो पित्त होता है वो पित्त की थैली में सूख जाता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको पहले तो अपनी बॉडी को एल्केलाइन करना है दोस्तों, जिससे कि वो दोबारा लिक्विड बन सके दोस्तों, या उसका कहीं पे यूज हो सके दोस्तों। क्योंकि पथरी बनने का कारण लीवर ही है, लीवर का आप ट्रीटमेंट करेंगे, लीवर को आप आराम देंगे दोस्तों, तो वो अपने आप उसको ठीक कर सकता है दोस्तों। जिनको भी गैल ब्लैडर में स्टोन है दोस्तों, यानी पित्ताशय में पथरी है, उसके लिए मैं घरेलू उपाय बता रहा दोस्तों। आप देखेंगे आपको सिर्फ 5 दिन में ही आपकी समस्या लगभग दूर हो जाएगी दोस्तों। अगर दूर नहीं होती है तो दोस्तों आपको आराम काफी मिल जाएगा दोस्तों, और इसका आप प्रयोग आगे भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन महीना में एक बार 5 दिन ही करना है, फिर आप अगले महीने 5 दिन कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको अपने आहार में कुछ बदलाव करने होंगे। सुबह भरपेट फल खाएं, दोपहर को जब भी खाना खाएं तो टमाटर 2 खीरा जरूर खाएं, उसके बाद तुरंत खाना खाएं दोस्तों। एसिडिक चीजें खाना बंद कर दीजिए, दूध और दूध से बनी आइटम बंद कर दीजिए दोस्तों। चाय वगैरह जो भी आप दूध से बनी आइटम खाते हैं वो बंद कर दीजिए। ज्यादातर आपको कच्चा आहार लेना, जैसे खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, चुकंदर दोस्तों, ये ज्यादा लीजिए, और उसके बाद में खाना भरपेट खाइए दोस्तों। और सुबह शाम जब भी आप खाना खाएं उससे पहले सलाद खा लीजिए, सुबह केवल फल खाएं दोस्तों। यह आप महीना 10 दिन 15 दिन करिए, और आपको उपाय बता रहा हूँ करना क्या है आपको पित्ताशय की पथरी के लिए दोस्तों। आपने गुड़हल का पेड़, मतलब गुड़हल का पौधा होता है, वो आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं भी देखा है, आपके आसपास नहीं है दोस्तों, तो पंसारी के यहाँ से आप गुड़हल के फूल ले आइए, या आपके घर में पौधा है गुड़हल का दोस्तों, तो उसके फूलों को इकट्ठा कर लीजिए और सुखा लीजिए छाया में। सुखाने के बाद में उसका पाउडर बना लीजिए दोस्तों, और 1 चम्मच रोज रात, केवल रात को सोते समय गुनगुने पानी से लेकर सो जाना है दोस्तों। 1 चम्मच रात को सोते समय गुनगुने पानी से गुड़हल के फूल का चूर्ण लेना है दोस्तों। 5 दिन लीजिए आप लगातार, और आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा इसमें रिस्पॉन्स मिलेगा दोस्तों। और जिनको भी पित्ताशय में पथरी की शिकायत है दोस्तों, आजकल लगभग काफी लोगों को यह समस्या है दोस्तों, और यह वीडियो हर एक पित्ताशय से संबंधित जिसको भी दिक्कत है दोस्तों, उस तक यह वीडियो पहुंचाइए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अगर हमारे पेज पर नए हैं दोस्तों, या हमारे YouTube चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और Facebook पेज पर हैं तो उसको फॉलो करना ना भूलें दोस्तों। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपका दोस्त डॉक्टर पवन कुमार नेचुरोपैथी के टर्म में।